नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। दोस्तों, आज की वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा और जीवन में इम्प्लीमेंट किया तो आपके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक आर्टिकल से करते हैं जिसको लिखा है न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स हटजेल ने। इस आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स हटजेल ने वैदिक मंत्रों के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। उन्होंने कहा है, मैंने संस्कृत पढ़ने में और उसे ट्रांसलेट करने में सालों बिताए हैं। उनकी रिसर्च का दावा है, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से माइंड और मेमोरी पर गजब का पॉजिटिव इफेक्ट होता है। उन्होंने इंडिया ट्रेंट्रो पार्टनरशिप फॉर एडवांस रिसर्च की मदद से वैदिक संस्कृत पंडितों को लेकर के एक रिसर्च कंडक्ट किया था। उस रिसर्च के दौरान उन्होंने वैदिक संस्कृत पंडितों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए कहा था। मंत्रों के उच्चारण से पहले ब्रेन की MRI स्कैनिंग हुई थी और उच्चारण के बाद फिर से MRI स्कैनिंग हुई। उनकी रिसर्च का दावा है कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बाद ब्रेन की साइज बढ़ जाती है। इसका मतलब वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मेमोरी पावर और थिंकिंग पावर दोनों बढ़ जाते हैं। इसका संबंध कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ है, अर्थात वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ज्ञान को पाने का सामर्थ्य बढ़ जाता है। दोस्तों, न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स हटजेल ने दावा किया है कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के कारण पुराने जमाने से लेकर आज के जमाने तक वैदिक संस्कृत पंडित केवल सुनकर और रिपीट करते हुए 40,000 से लेकर 1,00,000 तक शब्दों को भी याद कर लेते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल की चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप खुद ही पढ़ें और इसकी जानकारी को ले लें। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। हमें शास्त्रों से एक वैदिक मंत्र मिला जिस मंत्र के उच्चारण से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और ब्रह्मचर्य शक्ति बढ़ती है। इस मंत्र से फायदा लेने का ये है तरीका। दूध पीने से पहले आँखों के सामने दूध रखें और 21 बार इस मंत्र का जाप करें, फिर दूध पी लें। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह आप 21 बार जाप करें और दूध को निहार कर दूध पी लें। इस प्रयोग से आप आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान, शक्तिमान और वीर्यवान बनते हैं। दोस्तों, ये एक प्राचीन वैदिक प्रयोग है। इस प्रयोग को भी कई युवाओं ने किया है और अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम को देखा है। उनमें से एक युवा है प्रसिल। दोस्तों, आइए हम प्रसिल से ही सुनते हैं उन्होंने अपने जीवन में किस तरह के ब्रह्मचर्य लाभ देखे हैं। ध्यान से सुने। हम प्रसिल परमार फ्रॉम गुजरात। हम सब ब्रह्मचर्य की राह पे अभी नए हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, वो चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, गिर गिर के उठता है तभी तो चलना सीखता है ना। तो हम भी इस राह पे थोड़े नए हैं, तो हम भी थोड़े बहुत गिर जाए तो निराश नहीं होने चाहिए, फिर से कोशिश करनी चाहिए चलने की। पर ये मार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य के मार्ग से कभी हटना नहीं है हमको। हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार क्यों माने हम? थोड़े दिन फॉलो किया फिर बोले कि हमसे फॉलो नहीं होता, ये मार्ग हमारा नहीं है, ये तो साधु संतों का है, ये तो सन्यासी लोगों का है। ये ब्रह्मचर्य का मार्ग सबके लिए है, सबके लिए जरूरी है। जिसको जीवन में आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, उन सबके लिए ये मार्ग है। तो इस मार्ग से कभी हमको भटकना नहीं चाहिए। जैसे बच्चा गिरता है तो चलना सीखता है, तो हम भी कभी गिर जाते हैं तो निराश नहीं होंगे, फिर से चलने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे ना, तभी तो हम ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से हमारे जीवन में धारण कर पाएंगे ना। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए। जो लोग आपको कमजोर होने की बात बताते हैं, जो आपको कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को कुछ आता नहीं, तो अपने मन को निराश मत करो। एक दिन जरूर आएगा कि लोग आपको देखेंगे और सुनेंगे और देखते रह जाएंगे कि तू तो कुछ नहीं था और आज कुछ हो गया। ये ब्रह्मचर्य में शक्ति है। यही राह एक ऐसी है जो आदमी को सही मार्ग पे ला सकती है।
चाहिए। इसलिए सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस राह को कभी छोड़ो मत। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनो भीलाशीतम मनस्तम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र हमारे शास्त्रों में आता है जिसका लाभ ब्रह्मचर्य में हमको बहुत मिल सकता है। काफ़ी महीनों से इस मंत्र का लाभ ले रहा हूँ और दूध पी रहा हूँ, मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। तो हम अपने आप से कंट्रोल करने की इच्छा तो करते हैं कि मैं सेलिब्रेसी कंट्रोल करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करूँगा, पर अपने आप से शायद नहीं हो पाता, पर मंत्र की शक्ति से वो बहुत ईजी हो जाता है। तो आप भी ये मंत्र का लाभ जरूर लो। दूध की कटोरी ले लो, उसमें 21 बार देख के बोलो ये मंत्र और दूध पी लो। ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए भी मंत्र भी जरूरी है, तो आप ये मंत्र का लाभ जरूर ले सकते हो। हम बाहर से तो कंट्रोल करते हैं मास्टरबेशन कंट्रोल करने के लिए, पर भीतर से जो मन है हमारा वो तो कहीं ना कहीं विचार करता है कि हम ये करें हम वो करें, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करता रहता है। तो मंत्र अगर आपके जीवन में है तो वो मंत्र आपका मन को शुद्ध कर देता है। मंत्र का अर्थ ही होता है जो मन को तार देता है, मन को पवित्र बना देता है, मन को शुद्ध बना देता है। अगर हमारा मन ही शुद्ध हो जाता है तो फिर गिरने की तो बात ही नहीं आती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र से जुड़ने की कोशिश करना चाहिए, रिपीटेशन करने की कोशिश करना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य बहुत ईजी हो जाता है। हम भी पहले नहीं मानते थे कि क्या यार ये मंत्र से कुछ कुछ नहीं होता, हमें उससे तो ब्रह्मचर्य कैसे फॉलो करेंगे, उससे थोड़ी होता है। पर हमने एक बार प्रैक्टिकल किया हमारे जीवन में कि दूध लिया, उसमें ये मंत्र पढ़ा और फिर लगभग थोड़े दिन किया तो उसमें थोड़े दिनों में ही फ़ायदा मिलने लगा। तो फिर हमने ये कंटिन्यू रखा, अभी तक भी कर रहे। तो हम आप सबसे ये अनुरोध करते हैं कि आप भी ये मंत्र का लाभ लो और अपने जीवन में मन से शुद्ध होने की कोशिश करो, मन से गलत विचार को दूर करने की कोशिश करो, तो आप में अथाह बल अथाह सामर्थ्य आएगा। क्योंकि जिसका मन बलवान होता है उसका जीवन भी बलवान होता है, वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, सुख दुख को सहन करने की शक्ति रखता है, हर सिचुएशन में वो आनंद में रहता है, हर परिस्थिति उसको दबाने वाली नहीं बनती पर मजबूत बनाने वाली बनती है जिसका मन शुद्ध हो जाता है। वो हो गया उसको भूलना ही बहुत अच्छा होता है, जो हमारे पास है ही नहीं अभी उसके बारे में क्या सोचना। कभी कभी तो फ्यूचर के बारे में चिंता करते थे कि मेरे पास कुछ होगा या नहीं, मेरा अच्छा होगा या नहीं, ऐसी ऐसी चिंता में हम गिरे रहते हैं। पर अभी का समय हम वर्तमान में जीते हैं, अभी का समय पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं लगाते पर उसका सदुपयोग करते हैं और वर्तमान का पूरे पूरा लाभ लेते हैं और हम वर्तमान में प्रसन्न रहते हैं, वर्तमान में खुश रहते हैं। जो आदमी वर्तमान में जीता है वही सच्चा जीता है। वर्तमान समय ही एक ऐसा है जो सुदृढ़ और सफल भविष्य का निर्माण करता है, तो हमें वर्तमान में जीने की आदत बनानी चाहिए। सच्चा मर्द वो है जो अपनी वासना को जीत लेता है। जय हो। मैं बहुत जोश में रहता हूँ। जय हो। यस आई कैन चेंज। जय हो। यस अब तो मुश्किल काम भी आसान लगता है। जय हो। कसम से मेरी जिंदगी बदल गई। जय हो। ऐसा लगता है जैसे दुनिया मेरी मुट्ठी में। जय हो। सच में मेरी सोच बदल गई, ये कमाल है ब्रह्मचर्य का। जय हो। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। जय हो।